लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में और रिक्शा इतना खचाखच फुल है, मैं आपको दिखाता हूँ, आज तो बिल्कुल हमारे रिक्शे में जगह ही नहीं है। और हमारे साथ कौन कौन है यहाँ देखिए, यहाँ पे सबरीन है, कायनात है, और उस तरफ सेहरा है, और इधर आयशा है, बिल्कुल जगह नहीं। और मोहम्मद अब्बास, और ये देखें मोहम्मद अब्बास वहाँ बैठे हुए, और सकलेन जो है वो यहाँ पे बैठे हुए आगे। और इस तरह से हम आज पर रिक्शे में जा रहे हैं जगह, तो अब जल्दी से हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे आगे का भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, और हम सब खैर से बात करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह के फजलों करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो आज हम लोग, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग बाहर आए हुए हैं, और आज का व्लॉग हमने बाहर से स्टार्ट किया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे आए हुए, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आए हुए हैं कमांडर बिल्डर्स के मेन हेड ऑफिस में, जो कि मलीर कैंट पे है, और जिना एवेन्यू पे। और यहाँ पे देखे सारे, हमारी पूरी फैमिली जमा है, और आज हम लोग जो है वो जा रहे हैं कमांडर सिटी। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे शटल का, और जैसे ही शटल आती है तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और ये देखे कमांडर बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट है कमांडर हाइट सामने, जो कि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी और बुलंद मंजिला इमारत है। तो अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे शटल का, और हमारी शटल आती है तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं और फिर कमांडर सिटी चल के, और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। करते हैं आज के व्लॉग का हम यहीं से स्टार्ट। 2 hours later तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एंटर हो चुके हैं कमांडर सिटी में, और ये है कमांडर सिटी का मेन गेट, मेन एंट्रेंस है। और देखे कितना खूबसूरत और कितना बड़ा गेट इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये इन का है, और उस तरफ आउट का गेट है, और ये पूरा देखें आप कमांडर सिटी है। और माशाल्लाह कितना प्यारा है और कितना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये देखे ये एंट्रेंस पे इनका पार्क है बहुत ज़बरदस्त सा, और पार्क के अब आगे चलते हैं, तो आगे जो जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करता हूँ। इस तरफ जो है हमारे राइट एंड पे जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है, आप देख सकते हैं, और इस तरफ देखें ये पार्क है, और इधर जो है इन्होंने शुरू में जो है देखें ये बोर्ड जो है लगाया हुआ है यहाँ, जिसमें जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ यहाँ से मेन गेट से कितने फासले पे है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 3 किलोमीटर पे है, यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स है, फिर पेट्रोल पंप है, आज़ादी चौक है, क्लब हाउस है, फूड स्ट्रीट है, सेंट्रल पार्क है, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट है, बस टर्मिनल है, आयशा मस्जिद है, कमांडर पब्लिक स्कूल है, कमांडर हाउस है, और कमांडर मेडिकल सेंटर है। तो ये सब आप देख सकते हैं, पूरा बोर्ड है यहाँ पे, और उस पर जो है वो फासला भी लिखा हुआ है कि मेन गेट से कितना दूर है। तो ये है कमांडर सिटी, और देखें यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच चुके हैं। और समरीन कैसा है? माशाल्लाह मौसम भी कितना प्यारा है आज बना हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कराची में तो बिल्कुल जो है वो हंगामा आ रहा है और शोर शराबा है, यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, आप लोग देख सकते हैं, और कितना सुकून दे माहौल है, बिल्कुल पोल्यूशन से तो बिल्कुल पाक है। और बिल्कुल देखे सामने अभी इस वक्त जो है ना फुटबॉल ग्राउंड में मैच हो रहा है इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं, देखे आवाज़ भी आ रही है, और ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं सामने जो है इस वक्त बच्चों का जो है वो मैच वगैरह चल रहा है, देखे सामने बच्चे वगैरह बैठे हुए। तो जो है गेट से इतना दूर आए हैं, और ये देखे कितने प्यारे यहाँ पे ये डमीज़ बनाई है इन्होंने हॉर्सेस की, और ये देखे कितना खूबसूरत इन्होंने गार्डनिंग तो आपको चारों तरफ मिलेगी, और ये देखे कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, और ये देखे सारे इन्होंने जो है ना वो खजूर के और इसके दरख्त लगाए हुए इन्होंने सारे, और ये सामने जो है आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिस है, और यहाँ पे देखे कितनी प्यारी इन्होंने बाबाए कौम
कायद आज़म की जो है वो इन्होंने डमी बनाई दी है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी डमी इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, मोहम्मद अली जिन्ना। और ये देखे कितने प्यारे इन्होंने यहाँ पे जो है ना ये येलो एंड ग्रीन कलर की प्लांटेशन की हुई है माशाल्लाह। और ये इनका देखे हैं साइट ऑफिस जो बिल्कुल गेट के करीब है, और यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अगर प्लॉट लेना है, आपको अगर विला लेना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके ये साइट ऑफिस से मिल जाएगी। और ये देखिए कितने प्यारी प्लांटेशन है, सामने आप देख सकते हैं बस स्टॉप है, और बस स्टॉप नंबर 1 है ये। तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप लोगों को भी रिकमेंडेशन करूँगा कि आप लोग जब भी सुकून वाला माहौल चाहें तो आप लोग कमांडर सिटी ज़रूर आइएगा। सामने आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक ए का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, और सामने जो है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये फैसिलिटी भी इनके यहाँ अवेलेबल है, और देखिए लाइटें जो है खुलना शुरू हो गई है, और अभी जब फुल लाइटें खुल जाएगी यहाँ की तो यहाँ का एक लुक अलग ही होगा बिल्कुल। और ये देखें यहाँ पे जो है मॉडल बेंगलो है 80 स्क्वायर यार्ड्स का, क्योंकि ये अभी बंद है तो मैं आपको विज़िट तो नहीं करवा सकूँगा, और ये मॉडल बेंगलो है 120 स्क्वायर यार्ड्स का। तो ये मॉडल बेंगलो भी आप लोग आके विज़िट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के विलास वगैरह यहाँ पे है। और देखें यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना बेंगलोस बने हुए, और काफ़ी लोग आ चुके रहने के लिए, तकरीबन यहाँ पे 300-400 फैमिलीज रहती है। और ये देखें ब्लॉक बी आ गया है, और ये देखें कितना खूबसूरत विला है, देखें ज़बरदस्त। और ये जो है ब्लॉक बी है, और ब्लॉक बी के बिल्कुल सामने जो है वो कमांडर हाउस है। तो ये कमांडर हाउस भी देखे सामने बना हुआ है खूबसूरत सा। तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, वो यहाँ पे रहते हैं खुद, और ये उनका जो है हाउस है कमांडर हाउस के नाम से। देखे सामने ये जो विला आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये इनका है। और ये देखें समरीन को जो है ना खुशबू याद आ गई है। हाँ जी, कितनी अच्छी होती खुशबू, आप सूंघो, अच्छी है। तो फिर किसी और प्लांट की आ रही होगी। देखें यहाँ पे काफी सारे, मैं भी देखता हूँ। हाँ इसी की है, तो ये देखो गिर गया। तो इसमें से खुशबू आ रही है। तो चले अब आगे चलते, बच्चे तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, उनको बहुत चीज़ें देखनी हैं, तो वो जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, और हम लोग वीडियो बनाते बनाते आप लोगों के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए ये कमांडर हाउस का बोर्ड आ गया जो मैंने आपको बताया था, ये सामने कमांडर हाउस है। तो ये देखें ये जो है ये कमांडर सिटी की स्कूल है, कमांडर पब्लिक स्कूल। और देखें काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 4th फ्लोर तक है, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी के बच्चे यहाँ पे जो है एजुकेशन ले रहे, सिटी के अलावा जो बाहर के जो विलेजेस हैं उनके बच्चे भी जो है ना वो आके यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखें ये कमांडर पब्लिक स्कूल का जो है ना ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड है कमांडर पब्लिक स्कूल का, और ये सामने है कमांडर पब्लिक स्कूल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो काफ़ी बड़ी स्कूल इन्होंने यहाँ पे बनाई है, और बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो मैं काफ़ी इनको जो है ना अप्रिसिएशन दूंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है इन्होंने सोची है यहाँ के लिए, कि यहाँ के बच्चे एजुकेशन यहाँ हासिल कर सकें, उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े। और अब देखें हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे आ रही है यहाँ की फर्स्ट मॉस्क जिसका नाम है आयशा मस्जिद। और ये मस्जिद है आयशा। तभी हम करीब चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आयशा मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सामने हम आयशा मस्जिद के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, और ये मस्जिद है।
बहुत प्यारी मस्जिद इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मस्जिद है ना माशाल्लाह। यहाँ पे जितनी भी इन्होंने चीज़ें बनाई है स्टेट ऑफ आर्ट्स काफ़ी बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ें बनाई हुई, स्कूल हो गई, मॉस्क हो गई, और आगे अभी जो जो चीज़ें आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे हम। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग चलते चलते फ्री रेस्टोरेंट के पास आ गए, और ये फ्री रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है, और ये रहा फ्री रेस्टोरेंट यहाँ का, जहाँ पे जो है वो कमांडर जाकिर साहब की तरफ से जो है फ्री खाना होता है, मतलब कोई भी आके यहाँ पे, चाहे वो यहाँ के रिहायशी हो या जो है वो कोई लेबर वगैरह हो, जैसे ये देखें यहाँ पे विलास वगैरह बन रहे हैं, तो कोई लेबर वगैरह हो तो वो भी आके यहाँ पे खा सकती है। ये फ्री रेस्टोरेंट, ये देखे बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ के रिहायशी भी आके खा सकते हैं, विज़िटर वगैरह भी खा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी एक इनकी तरफ से है। और ये जो बन रही है सामने आपको नज़र आ रही है, ये इनकी सेकंड मॉस्क है, मॉस्क बन रही है यहाँ पे बस स्टॉप नंबर 2 के बिल्कुल बैक साइड पर, तो ये भी जो है थोड़े दिनों में बन जाएगी, तो इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो आपसे दोबारा शेयर करेंगे इस मस्जिद का। और यहाँ पे देखें कितनी तेज़ी से काम जारी है, और कितने सारे विलाज यहाँ पे तेज़ी से तामीर होते ही चले जा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आगे का भी शेयर करते हैं, और ये है ब्लॉक जी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ब्लॉक जी पे, और ये ब्लॉक जी की लेटेस्ट जो है सिचुएशन है, लेटेस्ट करंट सिचुएशन जो है वो ये है, अभी ये पूरा ब्लॉक जी जो है तामीर हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए यहाँ से जो है ये कमर्शियल स्टार्ट हो रहा है, ये सामने आपको सारी शॉप्स नज़र आ रही है फ्रूट्स की और चिकन वाले की और बार्बर की और सारी शॉप्स है, और ये देखिए यहाँ पे जो है कमांडर सिटी का इंडस्ट्री बनाई है इन्होंने, और ये देखिए यहाँ पे जो है इनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स बनती है, खुद कमांडर सिटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनका जूस है और इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स है। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहने वालों को यहीं पे जॉब्स ये देंगे। ये देखे आयजा आ गया, आयजा आयजा अस्सलाम वालेकुम कर, आयजा मज़ा आ रहा है, हाँ आयजा का बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और अब हम चलते हैं आगे, कायनात और जहरा जो है वो आगे हैं, और ये भी कुछ नया कुछ इन्होंने बना दिया, नहीं ये कुछ स्टेडियम या वो लग रहा है मुझे, कुछ यहाँ पे बन रहा है, प्लेग्राउंड है या स्टेडियम है, देखें यहाँ पे इन्होंने चेयर्स भी लगाई है बैठने के लिए, बहुत अच्छा स्टेडियम टाइप बनाया है। तो ये देखें ये यहाँ का मेन कमर्शियल एरिया है पूरा इतना बड़ा, और ये सामने देखें ये शटल है कमांडर सिटी की, जिसमें हम लोग अभी आए थे 5 बजे वाली शटल से, और ये सारा देखें कमर्शियल एरिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये शहर से दूर है तो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे देखिए आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, डेली की रोज़मर्रा की ज़रूरियातें सारी ज़िंदगी की सारी तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो है ये एक शॉप है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंस्टॉलमेंट्स पे मिलते हैं, तो ये देखें ग्रोसरी शॉप्स है, मेडिकल स्टोर है, सिटी स्टेट है, यूनिफॉर्म शॉप है माशाल्लाह, ब्यूटी पार्लर, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग आ चुके हैं अब इस वक्त सेंट्रल पार्क में, और समरीन कैसा लग रहा है भाई, माशाल्लाह बहुत सुकून है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लाइट्स, और ये देखिए पूरा सेंट्रल पार्क है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, और हवा तो कोई यहाँ पे चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। ये इनका पूरा फूड कोर्ट है, ये देखिए चेयर्स और ये सब लगा हुआ है, और ये शॉप वगैरह है सामने, और अब हम जा रहे हैं इस तरफ, तो आपको सेंट्रल पार्क भी पूरा दिखाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे है। और हम लोग है ना दिन में पहुँच नहीं सके, थोड़ा लेट हो गए, और अभी हो रही है मगरिब का टाइम, लेकिन ये देखे कितना प्यारा यहाँ पे देखे फाउंटेन है, और अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है हवा से ना, बहुत मज़ा आ रहा है, तो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखे बच्चे जो है वो इधर खड़े हो गए और पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त जगह है, हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। हम लोग फाउंटेन के पास आ चुके हैं, और देखे कितना ज़बरदस्त यहाँ पे देखे लाइट भी लगी हुई है, और देखे कितना प्यारा फाउंटेन है माशाल्लाह, और हवा भी इतनी ज़बरदस्त चल रही है यहाँ पे, ये देखें
हम लोग सब खड़े हुए और यहाँ पे हवा एंजॉय कर रहे, बहुत अच्छी हवा है। और लाइटें देखे आप कैसी लगी हुई माशाल्लाह, पूरे बहुत प्यारा मंजर है। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर, लेकिन अब आगे जाना तो पड़ेगा, तो चले आगे चलते हैं और फिर आगे का भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी आज हम लोग आए हैं कमांडर सिटी में, और जैसे कि आप लोगों को पूरा कमांडर सिटी भी विजिट कराया, और स्पेशली हम लोग आए थे आज उमेर भाई के घर पे और जुनैरा भाभी के घर पे, और उनका भी चैनल है। तो जुनैरा भाभी, आपका चैनल का क्या नाम है आप बताएं? जुनैरा उमेर के नाम से। तो आप लोग प्लीज़ इनके चैनल पे भी ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बहुत मज़ा आया उमेर भाई के साथ, वैसे तो हमारी बातचीत होती रहती है लेकिन आज मिल के पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और फेस टू फेस मुलाकात हो गई और बहुत मज़ा आया। और भाभी ने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ भी किया, और हम लोग बहुत शॉर्ट पीरियड में आए थे। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो हमारी गलती थी, हम लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए थे और बहुत ज़्यादा हम लोग घूमते रहे उससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है। थैंक यू सो मच उमेर भाई कि आपके आपने घर पे इनवाइट किया। और यहाँ पे देखे समरीन कोल्ड ड्रिंक पी रही है, और मेरे हाथ में भी कोल्ड ड्रिंक है, तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। तो आ जाए हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक। Three hours later. फ्रेंड्स, हम लोग घर पे आ चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि पूरा दिन जो है वो हमारा ऐसे ही निकला भागम भागी, और जो है कमांडर सिटी गए, वहाँ पे विजिट किया, आप लोगों को सब कुछ शेयर किया, और क्योंकि वहाँ के शटल के भी टाइमिंग्स होते तो उसी हिसाब से हमें जो है वहाँ से निकलना भी था वापसी। और अभी हम लोग तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी घर पर पहुँचे हैं, और अब कर रहे होंगे डिनर, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखे डिनर में जो है आज हमने अल हयात से ऑर्डर किया है, और अल हयात का हमें बहुत अच्छा लगता है खाना। तो यहाँ पे देखे ब्रोस्ट है, और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज है, और यहाँ पे देखे गोला कबाब है, और यहाँ पे जिंगर बर्गर है, और इसके साथ हमने जो है वो चपातियाँ मंगवाई है, और बाकी इन्होंने ये देखे चटनी वगैरह और ये सब प्याज वगैरह जो भी लवाजमात होते ये सब दिए हैं। आपसे फिर कहूँगा हमेशा की तरह के आ जाए हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी हमारे साथ आके और यमी सा मज़ेदार सा डिनर करें। समरीन भी देखे फ्रेश होके आ चुकी है। तो समरीन, आज मज़ा आया आपको कमांडर सिटी में? हाँ, मज़ा आया, पर बहुत आने जाना तो थकन हो जाती है। और आज हम जो है ना वो जुनैरा भाभी और उमेर भाई से भी मिले तो बहुत मज़ा आया, वो भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है हम अपने व्लॉग को करते यहीं पर एंड। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।